हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आजाद नेचुरल फिटनेस में। दोस्तों, आज मैं आपको जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेरे बी एंड बी एच बी नेचुरल एंड बी हेल्थियर सीरीज में लेकर जो आया हूँ वह यह है। मैंने आपके साथ एक टॉपिक टच किया था हैबिट से रिलेटेड, उसी को मैं थोड़ा और यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि आखिर क्या है कि हैबिट्स से हमें क्या, कौन से हैबिट्स को हमें अपनाना है, कौन से हैबिट्स को हमें छोड़ना है। दोस्तों, हमने लाइफ में कई बार सेंसिबल तरीके से खाना खाने की कोशिश करी होगी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डिडंट गेट द बेनिफिट। और हमें, क्योंकि हमारे जो हमारा कंटिन्यूटी है जो उस सेंसिबल तरीके से खाने की, वो रह नहीं पाई और फिर हमें लगा कि मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया और आपने उसे छोड़ दिया। होता है कि आपको लगता है कि यार मैं अपनी शायद विल पावर मेरी कमज़ोर थी तो मैं शायद इस पर अच्छे से काम नहीं कर पाया और मेरी विल पावर की कमी की वजह से आई हैड टू लीव दैट सेंसिबल ईटिंग स्टाइल। तो दोस्तों, मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ विल पावर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू ब्रेक एनी हैबिट विद जस्ट अलोन विद योर विल पावर। एक विल पावर को लेकर आप अपनी हैबिट्स को ब्रेक नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आपको आपके माइंड को भी रीप्रोग्राम करना होगा। जी हाँ, विल पावर के साथ आपको आपके माइंड को भी रीप्रोग्राम करना होगा अगर आपको बदलाव लाना है तो। दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपके माइंड में प्रोग्राम ही अगर गलत फिट है तो कोई भी विल पावर ले आओ, आप किसी भी तरह की विल पावर ले आओ, आपको वह पुश नहीं कर पाएगी। जो आपका राइट काइंड ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग है वही आपको पुल करती है, वही आपको खींचती है, क्योंकि आपने अपना सेटअप उसी तरह से किया हुआ है। विल पावर आपको पुश कर सकती है। दोस्तों, एग्जांपल से समझते हैं। आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपको चॉकलेट पाई, एप्पल पाई, ऐसा कुछ खाने का मन किया, गरम गरम हॉट जो आता है खाना लेके आई, वो लोग सर्व किया आपके सामने, वेटर ने जैसे रखा, आपके मन में आ रहा है कि यार मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरे दोस्त ने ऑर्डर किया है, आई एम फॉलोइंग सर्टेन डाइट और ये वो, मैं नहीं खाने वाला इसको। जैसे उसने उसको एक स्पून से हल्का सा ब्रेक किया, उसमें से चॉकलेट बाहर आया और वो गरम गरम उसकी स्मेल आपके अंदर, फ्रेगनेंस जो उसकी अरोमा उसकी आपके अंदर सांसों में गई, अंदर आपके अपने उसको नाक में उसने फील किया उसकी खुशबू को, उसको टेस्ट को, और जैसे उसने स्पून भरा और सीधा मुंह में लिया और आपने देखा उसे, क्या आपकी विल पावर रुक पाएगी? लग रहा है आपको कि आपकी विल पावर वहाँ तक रहेगी स्ट्रॉन्ग? आपको कमज़ोर होती नज़र नहीं आ रही आपकी वो विल पावर? जी हाँ दोस्तों, आ रही है, विल पावर कमज़ोर आ रही है। सेम फॉलो विद द माइंड प्रोग्रामिंग। अगर आपको सेम काइंड ऑफ सिनेरियो, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और आपने आपके माइंड प्रोग्रामिंग भी सेट करके रखी हुई है दैट यू डू नॉट वांट टू ईट दिस और यू डू नॉट लाइक टू ईट दिस, और फिर आपने किया तो क्या बदलाव नज़र आएगा वहाँ पे? वहाँ पे आपको क्या लगेगी वो उतना ही अपील कर रहा है वो खाना आपके लिए? जी नहीं, वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह सेट की हुई है ना। तो विल पावर के साथ माइंड प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो मस्ट। तो एट द एंड आपको ही तय करना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दोस्तों, मैं रिपीट करना चाहूँगा, खाना तभी खाना है जब आपको भूख लगी हो, जब आपको लगे कि ट्रूली आप हंग्री हो, ठीक है, और खाना उतना ही खाना है जब आपका लग जाए कि आपका पेट भर गया हो। कॉन्शियसली ईटिंग आपको हमेशा करनी है और धीरे धीरे चबा चबा के आपको आपका खाना खाना है। ये कुछ रूल्स हैं जो बेसिक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपको फॉलो करने चाहिए। टाइम एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड आई सी अ बिग चेंज, आई वुड लाइक टू सी अ चेंज इन यू ऑल्सो। थैंक यू, नमस्कार।